कोटा में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। ऐसे में कोटा में रह रहे कोचिंग छात्रों की घर वापसी भी कराई जा रही है। इसी कड़ी में झारखंड के हजारों छात्रों को लेकर कल रात को कोटा से रांची स्पेशल ट्रेन चलाई गई। ये ट्रेन रात को करीब 10 बजे रवाना हुई और इस दौरान पुलिसकर्मियों सहित रेलवे स्टेशन पर मौजूद सभी कर्मचारियों ने तालियां बजाकर छात्रों का उत्साहवर्धन किया। तो वहीं इसके पहले रेलवे स्टेशन के बाहर छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा, डीआईजी रविदत्त गौड़, एसपी गौरव यादव भी मौजूद रहे। बच्चों के लिए खुशी का विषय है कि राज्य सरकार के प्रयासों से केंद्र सरकार द्वारा विशेष ट्रेन की अनुमति दी गई और कोटा से पहली ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई। आज इस ट्रेन के अंदर झारखंड में रांची में करीब 1200 बच्चे जाएंगे, कल दूसरी ट्रेन जाएगी जिसमें धनबाद के करीब 1200 बच्चे जाएंगे, तो कुल मिला के 2500 स्टूडेंट लगभग झारखंड के हैं जो आज और कल दोनों दिन में मिला के यहाँ से जाएंगे, अपने अपने घरों में जाएंगे। और बच्चों के चेहरे की खुशी आप देख पा रहे हो कि कितने खुश हैं बच्चे, कितने सुकून है उनके चेहरे पे कि वो अपने घर वालों से जाके मिलेंगे। नहीं, अलग अलग राज्यों के और भी बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे भी हैं, बिहार के भी हैं, और भी स्टेट्स के बच्चे हैं, तो करीब 10,000 के करीब बच्चे हो रहे हैं। सर, प्रशासन की तरफ से किस तरह की, पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह की सिक्योरिटी वगैरह रखी गई है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखवाना बेहद जरूरी है। हाँ नहीं, इसका ध्यान रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, पूरा स्टेशन पे भी, बच्चों को होस्टल से यहाँ तक लाने में भी, ट्रेन के अंदर भी, सभी जगह। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए कोटा से योगेंद्र महावर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, देखिए कल ये ट्रेन को रवाना किया गया, साथ ही छात्रों का उत्साहवर्धन भी रेलवे कर्मचारियों और साथ ही पुलिस के जो जवान मौजूद थे उनके द्वारा किया गया। किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना वहां पर करवाई गई, क्योंकि देखिए चुनौतियां बढ़ती हुई जा रही है और ऐसे में ट्रेन में आमतौर पर जहां पर भीड़ भड़ाका मौजूद होता है, भीड़ में लोग सवार होते हैं, तो ऐसे में किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना वहां पर करवाई गई? बिल्कुल निश्चित तौर पर, जिस तरह से कोटा में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोचिंग छात्रों पर भी कोरोना का जो संक्रमण है उसका कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ था। तो इसी तौर पर जो झारखंड के करीब 1200 स्टूडेंट्स है जिनको कल रवाना किया गया है, और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। इसके लिए जिला कलेक्टर, जो पुलिस के विभाग के बड़े अधिकारी है, डीआईजी, एसपी, वो वहां पे मौजूद रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बेहद जरूरी था, क्योंकि जो निश्चित तौर पर माना जाता है कि ट्रेन के अंदर जब कोई भी हो, पैसेंजर्स बैठते हैं तो आपस में बातचीत भी करते हैं, एक ही सीट पर 4 से 5 लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर जब छात्रों को बिठाया गया तो एक केबिन के अंदर सिर्फ 6 छात्रों को बिठाया गया था, 2 सामने और 2 अगल बगल की सीटों पर। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना बेहद जरूरी था। इसके पहले जितने भी छात्र थे, जब उनकी स्टेशन पे जब उनका प्रवेश कराया गया तो बाहर ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई, साथ ही उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार की गई, कौन स्टूडेंट कौन से जिले का है, उसके बाद उसको रवाना किया गया। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। और आपको अपडेट और बता दूं मनीषा, आज धनबाद के लिए ट्रेन रवाना होगी, उसमें भी जो कोचिंग छात्र हैं कोटा के उनको यहां से रवाना किया जाएगा। तो धीरे धीरे छात्रों की रवानगी यहां से जारी है। और एक अपडेट और सबसे बड़ा जो अपडेट और सबसे बड़ा जो खतरा बना हुआ था वो बना हुआ था बिहार के कोचिंग छात्रों का, जो यहाँ पर तकरीबन 15,000 के आसपास कोटा में अभी मौजूद हैं। तो उनकी रवानगी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। और अपडेट हमारे पास ये जानकारी आई है कि 3 मई से 6 मई के बीच में कोटा से बिहार के लिए भी ट्रेन चलाए जाने की संभावना बन गई है, जिसमें छात्रों को रवाना किया जाएगा, क्योंकि छात्र बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। तो एक जिला प्रशासन के लिए और पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उनमें छात्रों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किस तरह से कराई जाए। जी बिल्कुल योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कोटा से स्पेशल ट्रेन रवाना की गई और साथ ही आज भी एक ट्रेन धनबाद के लिए रवाना होगी। सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना यहाँ पर करवाई गई और छात्रों को ट्रेन के जरिए रवाना किया गया।